तो गाइस आप लोग जो है वो यकीन नहीं करेंगे कि मेरे बहुत सारे फेलो इंस्टाग्राम क्रिएटर, टिकटॉक क्रिएटर, इसके अलावा जो है बहुत फेमस जो है यूट्यूबर आज भी जो है आईफोन एक्स आर को जो है अपनी एज अ मेन डिवाइस के तौर पे जो है वो यूज कर रहे हैं, जिसमें वो अपनी रील्स, स्टोरीज, टिकटॉक वीडियोज, इसके अलावा पिक्चर्स और जो है स्लोमो जो है इसी मोबाइल के कैमरे से जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो गाइस मैं जो अपनी वेडिंग फोटोग्राफी के BTS और यूट्यूब वीडियो जो है इसी मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्ड करता हूँ। और गाइस मुझे जो है इस मोबाइल के कैमरे का रिजल्ट जो है वो आजकल के जो न्यू मॉडल आ रहे हैं ओप्पो, वीवो, हुआवे, इसके अलावा वन प्लस या सैमसंग के जो फोन आ रहे हैं उनसे जो काफी बेहतर जो लगता है। तो गाइस आज जो हम इस मोबाइल के कैमरे को टेस्ट करने वाले हैं आउटडोर में, इनडोर में और जो है नाइट में। तो गाइस इस मोबाइल के फ्रंट और बैक कैमरे में जितने भी फीचर्स हैं लाइक स्लोमो, पोर्ट्रेट मोड, 4K वीडियो और जो है HD वीडियो, इस सब चीजों को जो है इसी वीडियो के अंदर जो है हम टेस्ट करने वाले हैं। तो गाइस पहले नंबर पर मैं आप लोगों की एक छोटी सी सेटिंग बताऊंगा आईफोन के कैमरे की, जिसके करने से आपका रिजल्ट जो है वो काफी हद तक जो है वो इनहेंस हो जाएगा। तो गाइस मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आपको पूरी यूट्यूब के ऊपर जो है वो ऐसा रिव्यू नहीं मिलेगा, मैं बहुत डिटेल के अंदर जो है इसके कैमरा को जो है वो टेस्ट करने वाला हूँ। तो गाइस चलिए अब जब इसके फोटोग्राफी के फीचर को जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस आईफोन के कैमरे से बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए आपने ये वाली सेटिंग जो सबसे पहले लाजमी कर लेनी है। सेटिंग में जाने के बाद आपने जो है कैमरा में जाना है। कैमरा में जाने के बाद आपने जो है वीडियो को हमेशा 4K 30 FPS के ऊपर कर लेना है अगर आपको 4K चाहिए। अगर आपको HD चाहिए तो आप ये 60 फ्रेम के ऊपर हमेशा रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप स्लोमो में आ जाएं तो आपने जो 120 FPS के ऊपर जो स्लोमो रिकॉर्ड करना है, जिससे आपकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी जो है निकल कर आएगी। तो गाइस इसके अलावा जो आपने ये वाली जो सारी सेटिंग है इनको सबको जो है वो ऑन कर देना है, और यहाँ पर जो आपने फॉर्मेट के अंदर जाकर जो मोस्ट कंपैटिबल के ऊपर जो फॉर्मेट को सेट करना है। इसके बाद आपने जो है प्रिजर्व सेटिंग के अंदर जाकर ये सारी सेटिंग जो ऑन कर देनी है, लेकिन ये एंड वाली सेटिंग जो है इसको आपने ऑफ कर देना है। तो गाइस सबसे पहले जो है इसके जो है सिंपल कैमरे को टेस्ट करने की ट्राई की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हम सिंपल कैमरे में शूट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो आउटडोर में है वो सनलाइट में शूट किया है, जो इनडोर में है वहाँ पर जो हमारे पास लाइट अवेलेबल है स्टूडियो की, जो नाइट है वहाँ पर जो टिकटॉक की लाइट जो हमारे पास अवेलेबल है। तीनों जगह पर आप देखें पिक्चर क्वालिटी जो आउटस्टैंडिंग जो है निकल कर आई है। सबसे अच्छी जो पिक्चर क्वालिटी है वो इनडोर में निकल कर आई है, उसके बाद आउटडोर में, उसके बाद जो है नाइट में, यानी कि आप जो है तीनों जगह पर बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। अगर आप जो एक लाइट यूज कर लेंगे इनडोर में या नाइट में तो आपकी क्वालिटी जो बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। इसके बाद हम आ जाते हैं सेल्फी के ऊपर, सिंपल सेल्फी के ऊपर। बहुत सारे लोग जो हैं सेल्फी कैमरे को यूज करते हैं अपने कंटेंट के लिए, तो यहां पर जो तीनों जगह पे सेल्फी कैमरे को मैंने जो टेस्ट करने की ट्राई की है, लेकिन सनलाइट में सबसे अच्छा जो है हमें रिजल्ट मिला है। तो आप जो अगर ये वाला मोबाइल लेते हैं तो सनलाइट में आपकी जो है पिक्चर की क्वालिटी जो है सेल्फी की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी निकल कर आने वाली है। यहां पर इनडोर में अगर आप थोड़ी सी लाइट यूज करेंगे नाइट में भी आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी निकल कर आएगी। तो गाइस इस मोबाइल के कैमरे का सबसे मेन फीचर जिसे मैं समझता हूँ वो पोर्ट्रेट मोड है, जो कि आपको सेम DSLR की तरह की पिक्चर देता है। तो गाइस यहाँ पर जो है हमने तीनों जगह पे टेस्ट किया है, आउटडोर में सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी निकल कर आई है, एजेस भी बहुत शार्प हैं और सेम जो है DSLR की तरह की लग रही है, फेक नहीं लग रही, यानी कि आप देखें ब्लर जो है वो बालों के अंदर नहीं चला गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें आउटडोर में, इनडोर में, नाइट में, तीनों जगह पर सबसे अच्छी क्वालिटी जो आउटडोर में आई है और नाइट में दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर जो हमारी इनडोर में क्वालिटी जो निकल कराई है उसमें जस्ट जो है फेस के ऊपर थोड़ी लाइट कम है। अगर हम पोर्ट्रेट मोड की बात करें सेल्फी में तो यहां पर भी हमने जो तीनों जगह पे टेस्ट किया है, अगर आप देखें नाइट में और जो है आउटडोर में वहां पर क्वालिटी 10/10 है, लेकिन इनडोर में क्वालिटी जो है वो थोड़ी कम है। अगर आप जो है इस मोबाइल को लेना चाहते हैं तो आप इनडोर में जब भी शूट करें आप या इसका फ्लैश लाइट या ऑन कर लें, या आप जो अपने पास एक छोटी सी टिकटॉक लाइट रखेंगे तो आपकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी जो है निकल कर आने वाली है। अब जो हम इसके वीडियोग्राफी के सारे फीचर को जो है वो टेस्ट करेंगे। तो गाइस इस मोबाइल के कैमरे की वीडियोग्राफी को डिटेल में टेस्ट करने के लिए मैंने जो है इसे आउटडोर में, इंडोर में, नाइट में तीनों जगह पे टेस्ट किया है। यहाँ पर जो है मैंने जो है इसके BTS भी लगा दिए हैं, यानी कि जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो भी लगा दी, नीचे एक्चुअल क्लिप भी लगा दी है, और एंड पे जो है मैंने सिनेमैटिक फैशन फिल्म बना के एडिट करके लगा दिया, ताकि आपको पता चले कि आप किस हद तक एडिटिंग कर सकते हैं, किस हद तक आप जो है स्लो कर सकते हैं और आपकी क्वालिटी जो है कैसी निकल कर आएगी अगर आप जो एडिट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आउटडोर में इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी निकल कर आई है। अगर आप आउटडोर में कोई किसी भी
कैमरा अगर नेट शूट करना चाहते हैं, ये मोबाइल का कैमरा जो है किसी भी कैमरे से कम नहीं है। आप बहुत अच्छी जो है व्लॉगिंग, वीडियोग्राफी, हर तरह का कंटेंट जो क्रिएट कर सकते हैं। इनडोर में अगर आप अपनी लाइटिंग यूज करते हैं, जैसे मैंने लाइटिंग यूज की है, तो आप जो है सॉन्ग शूट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके की, जो है कोई भी कंटेंट जो है आप बना सकते हैं। यहाँ पर स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है इसकी, कलर टोन बहुत अच्छी निकल कर आती है अगर आप लाइट यूज करते हैं। नाइट में आपको थोड़े से ग्रेन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी काफी जो है काफी हद तक इसके ग्रेन्स जो है वो कम है। एक्चुअल क्लिप में आपको नजर आएंगे, एक्चुअल क्लिप की सिनेमैटिक फैशन फिल्म मैंने आगे बनाकर लगा दी है, वो आप देखेंगे आपको सब जो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो गाइस इस मोबाइल के कैमरे के स्लो मोशन को मैंने जो है 120 फ्रेम के ऊपर जो है वो टेस्ट करने की ट्राई की है, आउटडोर में, इंडोर में, नाइट में। तो यहाँ पर तीनों जगह पर रिजल्ट देखें आप, बहुत अच्छा स्लो मोशन जो है वो निकल कर आया है। स्लो मोशन बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इसके अंदर फ्लिकर नहीं है, कोई जर्क नहीं है, कोई जो है स्लो मोशन जो है स्टिल नहीं हो रहा, बहुत स्मूथ स्लो मोशन जो है वो निकल कर आया है। आपकी थोड़ी सी नाइट के अंदर जो है फेस के ऊपर क्वालिटी थोड़ी सी कम है। तो गाइस यहाँ पर जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ आईफोन एक्स आर के फ्रंट कैमरे की वीडियो का टेस्ट फुल एचडी के 60 फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए आप वीडियो शेक कैसे हो रही है, मैं जो है थोड़ा चल भी रहा हूँ और मोबाइल यहाँ पर जो है शेक हो रहा है, और आप देखें कलर टोन कैसी आ रही है, ये डायरेक्ट सनलाइट में कैसा रिजल्ट मिलेगा और जो है बैक सनलाइट पे आपको ऐसा जो है रिजल्ट मिलेगा, तो आप जो है बेहतर जज कर सकते हैं। मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर मुझे रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन जो है शेक काफी हो रहा है, बाकी एक्चुअल वीडियो में देखेंगे कैसा रिजल्ट आता है। थैंक यू। गाइस यहाँ पर जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ आईफोन एक्स आर की जो है फ्रंट कैमरे की वीडियो का टेस्ट, जो कि फुल एचडी वीडियो है। तो गाइस यहाँ पर ये जो है स्टूडियो लाइट है, यहाँ पर देखें ये जो है दो लाइटें लगी हुई है, ये मेरा स्टूडियो है, यहाँ पर जो है खड़े होकर वीडियोस बनाता हूँ। अब मैं आपको थोड़ी सी लो लाइट में जाकर दिखाता हूँ, ये जो है थोड़ी लो लाइट है, यहाँ पर कोई लाइट नहीं है छत के ऊपर, और ये जो है एक रूम की लाइट है, यहाँ पर भी आप देखें, यानी कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी जो है इंडोर सिचुएशन के अंदर या अपनी रूम लाइट में तस्वीर बनाना चाहते हैं, तो आपकी जो इस तरीके की आपकी वीडियो आएगी या पिक्चर आएगी, या आपकी व्लॉगिंग जो अगर आप करना चाहते हैं तो आपका इस तरीके का व्लॉग जो है बनेगा। जहाँ तक स्क्रीन की बात है, स्क्रीन के ऊपर मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट नज़र आ रहा है, बहुत क्लियर शार्प नज़र आ रहा है, और वीडियो जो है वो थोड़ी शेक कर रही है, ये जो है लग रहा है क्योंकि मैंने हैंड में पकड़ा और मेरी ज़्यादा व्लॉगिंग की प्रैक्टिस नहीं है। तो जो आपको वॉइस क्वालिटी नज़र आ रही है वो भी इसी के माइक की है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू। जी तो गाइस यहाँ पर हम टेस्ट कर रहे हैं आईफोन एक्स आर के फ्रंट कैमरे का टेस्ट फुल एचडी पे। यहाँ पर जो है नाइट है, आप देखें साइड पे रोड चल रहा है, और इसी मोबाइल के कैमरे से जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसकी वॉइस भी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है हमारे यहाँ पर इस तरह की आपको क्वालिटी जो है नजर आएगी। जी तो हम टेस्ट कर रहे हैं आईफोन एक्स आर की 4K वीडियो का टेस्ट 30 फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पर जो है सनलाइट है, और आप देखें मैं जो है थोड़ा सा चल के भी आपको दिखा रहा हूँ कि वीडियो जो है वो किस तरीके की बन रही है सन के ऑपोजिट में, और जो है डायरेक्ट सनलाइट आपके फेस के ऊपर पड़ रही है। बाकी इस जो मोबाइल का माइक्रोफोन है वही मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप वॉइस क्वालिटी चेक करें वो किस तरीके की आ रही है, बाकी आप देखेंगे कलर टून कैसी है, ग्रेन्स तो नहीं आ रहे, ये सारी चीज़ें जो आप खुद जो है वीडियो में देख सकते हैं। जो यहाँ पर जब आईफोन एक्स आर की 4K वीडियो का टेस्ट कर रहे हैं 30 फ्रेम के ऊपर, जो यहाँ पर एक जो है इंडोर लाइट यहाँ पर जो है क्रिएट की है, जो कि मेरे स्टूडियो में सिंपल लाइटिंग है, कुछ ज्यादा लाइटें यहाँ पर हमने यूज नहीं की, और यहाँ पर हम माइक भी इसी कैमरे का यूज कर रहे हैं। आप इस कैमरे की माइक क्वालिटी को भी यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं कैसी क्वालिटी आ रही है, और
वीडियो भी आप देखिए, ये जो एक इंडोर सिचुएशन है, कितने ग्रेन्स देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके की वीडियो आ रही है, ये आप जो खुद जज कर सकते हैं। थैंक यू। तो यहाँ पर हम टेस्ट कर रहे हैं आईफोन एक्स आर की 4K वीडियो का टेस्ट 30 FPS के ऊपर। यहाँ पर आप देखें जो है नाइट का सारा सीन है, यहाँ पर जो है कुछ लाइट्स अवेलेबल हैं, तो देखिए आप किस तरीके का रिजल्ट आ रहा है, ग्रेन्स तो नहीं आ रहे, और हर तरीके से मैं आपको जो है 360 वीडियो जो बनाकर दिखा दी है, और इसकी जो वॉइस क्वालिटी है वो भी जो मैं इसी मोबाइल के माइक से जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए अब जो इस मोबाइल के कैमरा के स्पेक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो मेन कैमरा है, रियर कैमरा है, वो जो है 12 मेगापिक्सल का f1.8 का कैमरा है। इसी कैमरे से आप जो है 4K के ऊपर जो वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, 4K जो है 60 FPS के ऊपर, और जो है अगर आप HD में रिकॉर्ड करेंगे 1080p पे, तो आप जो है 120 फ्रेम पे और जो है 240 फ्रेम के ऊपर भी शूट कर सकते हैं। तो अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा 7 मेगापिक्सल का है, और आप जो है इसके अंदर फुल HD के ऊपर जो है वो 60 FPS के ऊपर जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी कमेंट में बताइएगा। इस मोबाइल के कैमरे से जो मैंने फोटो और वीडियोस बनाई हैं, वो जो है फुल रॉ फॉर्म के अंदर जो है मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी हैं, नीचे लिंक लगा दिया है, वहां से जाकर जो है आप डाउनलोड करके जो है क्वालिटी चेक कर सकते हैं जूम करके। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, अगली वीडियो तक के लिए बाय।